मध्य प्रदेश में भारतीय आदिवासी पार्टी से एकमात्र विधायक कमलेश्वर डोडियार को लगता है उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। उनका कहना है वे आदिवासियों की आवाज को सदन में उठाएंगे। भाजपा कांग्रेस के अलावा भारतीय आदिवासी पार्टी से एकमात्र विधायक कमलेश्वर डोडियार विधानसभा पहुंचे हैं। वो काफी गरीब परिवार से आती हैं और उनकी आर्थिक हालात भी अच्छी नहीं है। उन्होंने भारतीय संविधान के बल पर जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है। कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि वह उनकी पार्टी से एकमात्र विधायक बने हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आवाज को उठाकर सदन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन व्यस्तता के चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और एक बार फिर वह मोहन यादव से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर देखा मैंने 230 यहाँ पर सदस्य विधानसभा के और पूरा मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि बैठे हुए, मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं आदिवासी तबके से आता हूँ। मेरी पार्टी का मैं अकेला जीता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों के लिए आवाज बुलंद करना और पूरे मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों के लिए काम करना। इसके अलावा और भी जो अन्य समाज के लोग उनके लिए भी हमें काम करना है, क्योंकि मैं इंसानियत को पहले पायदान पर रखता हूँ, मानवता की बात करता हूँ मैं तो, मैं सब समाज के लिए भी हमें आवाज उठाना है। मुलाकात उज्जैन में हमने 2 दिन पहले करने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत व्यस्तता के चलते बैठ कर बात नहीं हो पाई है और हम दोबारा मिलने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलेंगे। वो हमारे परिवार के मुखिया है, 230 लोगों का हमारा परिवार है सदस्यों का और वो प्रमुख है मुख्यमंत्री जी, मैं बार बार उनसे मिलूंगा। क्या लगता है आपको उनको मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं सकारात्मक सोचता हूँ, मुझे मंत्रिमंडल में जगह। मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ, मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी की समस्या मुझे अच्छे से पता है, उनके समाधान भी मैं कर सकता हूँ। जनजातीय मंत्रालय या वन मंत्री या फिर पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग या फिर ये अपना संचय विभाग, इनमें से कोई सभी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।